गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 11th का चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 का दो क्वेश्चंस लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन इन टू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। LHS की जो पार्ट है वो RHS के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन 3 लाइन की मैथ है, ठीक ना। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो फार्मूला आप लोग जानते हैं। कौन सी फार्मूला है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस कॉस साइन साइन रहेंगे, बीच में माइनस रहेंगे तो प्लस होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम जब जानते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखेंगे। देखिए कॉस के बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन के साथ भी है, देखिए पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई है, यहाँ पे साइन पाई बाई 4 माइनस वाई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट साइन नहीं साइन नहीं पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर कितना मारेंगे ए, एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना मान लेंगे बी, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें जब हम पुट करेंगे यही रूप ले लेगा, क्या ले लेगा हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी रूप ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तब कॉस ए प्लस बी होता है ना फॉर्मूला। तो ये मतलब हमने कितना माना पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये की जगह में हम कितना लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस प्लस होते हैं ए कॉस ए प्लस बी होता है ना, तो बी मीन्स कौन है हमारा पाई बाई 4 माइनस वाई। क्या किया हमने, पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए मान लिया, पाई बाई 4 माइनस वाई को बी मान लिया। अब देखिए यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया, और यही चीज़ क्या होता है कॉस ए प्लस बी होता है। तो ए मतलब कौन है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ए के जगह में पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखेंगे प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई लिख दिए। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितने हो जाएंगे पाई बाई 2, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है हो गया। अब देखिए और एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कौन सी फार्मूला, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे भी देखिए कॉस पाई बाई 2 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसका काम कर रहा है थीटा का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन्स एक्स प्लस वाई प्रूफ्ड, यही तो हमको दिखाने के लिए बोलना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, प्रूफ दैट टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये चीज़ को दिखाना है 1 प्लस टेन एक्स की होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। तो LHS पार्ट जो दिया है वो RHS के बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको क्या दिया है, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारा क्या था LHS पार्ट, हमने LHS बस पहले उठा लिए। अब LHS का मान जो है RHS के बराबर दिखाना है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, टेन ए प्लस बी पढ़िए चाहे टेन एक्स प्लस वाई,
कौन सी फॉर्मूला? टेन ए प्लस बी लिखिए चाहे एक्स प्लस वाई लिखिए, दोनों सेम ही है। तो क्या हो जाएगा ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होंगे, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से इसको हल करेंगे। तो देखिए टेन पाई बाई फोर मतलब ए प्लस एक्स मतलब बी, प्लस एक्स जो है बी का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, टेन ए प्लस टेन बी। तो टेन ए बोलेंगे लेकिन लिखेंगे कितना, पाई बाई फोर, टेन ए प्लस टेन बी मतलब टेन एक्स, क्लियर, अपॉन वन माइनस टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। इतना दूर तक तो समझ में आ गया, ये तो ऊपर का काम हो गया। अब देखो नीचे, नीचे हमारा क्या है, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, माइनस का काम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस होंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं अंतर, ठीक। तो वही फार्मूला लगाएंगे, टेन ए मतलब पाई बाई फोर माइनस टेन बी मतलब टेन एक्स अपन वन माइनस टेन ए मतलब पाई बाई फोर इंटू टेन बी मतलब टेन एक्स। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए इसके नीचे वाली पार्ट और इसके नीचे वाली पार्ट में देखिए एक जैसे दिख रहा है, इसके ऊपर वाले पार्ट और इसके ऊपर वाले पार्ट एक जैसे तो है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे पहले टेन पाई बाई फोर का मान, टेन पाई बाई फोर मीन्स टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री की मान होता है वन, क्लियर, प्लस टेन एक्स। अब देखिए आते जा रहे टेन, वन प्लस टेन एक्स आ गया। इसके बाद वन माइनस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि टेन पाई बाई फोर का वन होता है, अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन, सॉरी यहाँ पे प्लस वन प्लस टेन एक्स। इतना दूर तक समझ में आ गया, ये फॉर्मूला हमने लिखे थे, इसके बाद टेन पाई बाई फोर की वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये टेन पाई बाई फोर इक्वल्स टू वन होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए जो है हमारा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये चीज लिखेंगे और ये चीज पलट जाएंगे तो ये इसके साथ इंटू हो जाएंगे, तो दो चीज है तो उसकी स्क्वायर हो जाएंगे, ये इसके साथ इंटू होंगे तो दो था तो स्क्वायर हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड, यही तो हमको दिखाने के लिए बोला था। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोग को अच्छी तरीके से आ गया। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा मेरा लेक्चर कैसे लगा। हाँ फिर भी कहीं आप लोग को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और हल करवा दूँ।